वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। बजट 2023 में उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई घोषणाएं की। इसमें उन्होंने मेडिकल उपकरणों, मेडिकल कॉलेज, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कई योजना लाने और फार्मा में रिसर्च के लिए नई योजनाएं चलाने की घोषणा की। उन्होंने 2047 तक एनीमिया खत्म करने की घोषणा की। अपने भाषण में उन्होंने मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जिक्र करते हुए कहा कि इसे दुनिया में बढ़ावा दिया जाएगा। डॉक्टरों द्वारा पहले से ही मोटे अनाज की सिफारिश की जा रही है क्योंकि ये डायबिटीज को कम करने की क्षमता रखता है। ये पहली बार है कि पोषण को एक विशेष कार्यक्रम के साथ बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की भी घोषणा की। हमारे पास केंद्रीय बजट पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए एक विशेषज्ञ हैं। देखते हैं कि क्या है उनका कहना इस बजट पर। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। उनके ऊपर बहुत सारा दबाव था एक ऐसा बजट निकालने के लिए जिसमें सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स हों, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में। बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में सोचते हुए बजट निकाला है जिसमें बैलेंस अप्रोच रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, उसको 33% से बढ़वाया है। उससे ना केवल जॉब्स बढ़ेंगी बट उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर आने से भारत इकोनॉमी में ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि अभी प्राइवेट कंजम्पशन पिकअप कर रहा है बट प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक पिकअप नहीं हुआ है। सो गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए वो स्पेंड किया है। उन्होंने 5G के बारे में भी बात की है और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स की भी बात की है। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी काफी फोकस रखा है। बिसाइड्स दिस उन्होंने काफी ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर, ग्रीन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे भी काम किया है। तो उन्होंने काफी चीजों पे इसमें फोकस किया है जिससे मेरे हिसाब से भारत अगले वर्ष भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने 157 कॉलेजेस का अनाउंसमेंट किया है नर्सिंग के लिए। वो बहुत ही बढ़िया मेजर है बिकॉज नर्सेज की क्वांटिटी काफ़ी कम है और काफ़ी हॉस्पिटल्स को उनकी बहुत ज़रूरत है, तो इससे नर्सेज की तुलना बढ़ेगी, उस पर हेल्थ केयर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फार्मा सेक्टर के लिए भी उन्होंने काफ़ी R&D और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों के लैब सेटअप करने की बात की है, और मेरे हिसाब से वो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम है गवर्नमेंट का। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बजट गिवन द सर्कमस्टेंस की ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी स्लो चल रही है बट भारत अभी भी बड़ा फास्ट ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया बजट है। बट फाइन प्रिंट देखना बाकी है बट मेरे हिसाब से ये बढ़िया बजट है भारत की इकोनॉमी के लिए।